सो हेलो पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए पोकेमोन रेड एडवेंचर के एपिसोड के अंदर। आज के चैप्टर में हम लोग देखने वाले एक नया इनोवेटिव पोकेमोन जो हम लोग को काइंड ऑफ ऑरेंज आइलैंड्स, मतलब इसी गेम के अंदर ऑरेंज आइलैंड्स के अंदर मिल सकता है। फैन मेड पोकेमोन है और उसको हम लोग जरूर चेक करेंगे, लेकिन उसको एपिसोड को ट्रिगर करने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा वैलेंसिया आइलैंड की तरफ। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोग ने कैप्चर किया था क्रिस्टल ऑनिक्स, जरूर चेकआउट कर सकते हो लास्ट एपिसोड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। पसंद आता तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी हम लोग सीधा डाइव इन करते हैं वैलेंसिया आइलैंड की तरफ। हम लोग को ढूंढना है द यूकी रेजिडेंस, जो हम लोग जब यहाँ पे आए थे तब वहाँ पे यूकी रेजिडेंस के अंदर हम लोग जाने वाले थे, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि बोनस मिशन है तो जाना सही नहीं बनता। तो उसके लिए हम लोग ने पूरा पहले आधे मिशंस कंप्लीट कर दिए, उसके बाद ही मैं यहाँ पे आया हूँ। और यूकी रेजिडेंस को ज़रूर हम लोग ढूंढने वाले हैं, तो देख लेते हर एक घर के अंदर। और घर सारे के सारे सिमिलर है, ये है प्रेम रोज का रेस्टोरेंट, ये है सोनिया का रेजिडेंस, और शायद से आगे हो सकता है यूकीज रेजिडेंस। तो हम लोग को मिल चुका है यूकी रेजिडेंस, इसके अंदर घुस जाते हैं। कैरेक्टर के नाम याद रख लेते हैं, इसका नाम है सुकियो, और सुकियो का बच्चा काइंड ऑफ ये जो है साइड में है कोंडो, और उसका बच्चे का नाम है सोनियो। और सोनी के बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे, और उसके बाद से वो जो सोया पड़ा है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं होने वाली, और उसने अपने गिफ्ट्स भी नहीं खोले हैं बर्थडे के। तो इस बर्थडे गिफ्ट को पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जिगली पापा पिकाचू है, मरीन है, सोनी यहाँ पे बहुत ही गहरी नींद में है। लेकिन ये डॉल क्या है, ये डॉल अलग ही देखने मिल रही है हम लोग को। हाँ, और ये नया पोकेमोन है, कोंडो बोल रही है व्हाट, और सुकियो बोल रही है। तो कोंडो है काइंड ऑफ मेल और सुकियो है फीमेल, और दोनों भी पति पत्नी है, उनका बच्चा है सुरियो, वो भी सोया हुआ है। और ये सारी चीज़ें मैं खुद के लिए कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। वोडो डॉल को हम लोग ज़रूर कैप्चर करने वाले हैं आज के एपिसोड के अंदर। तो अगर आपको ऐसे पोकेमोन पकड़ने हैं तो ज़रूर आप मेरे गेम प्ले को चेक करो, हर एक पोकेमोन का लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और उसके साथ साथ हम लोग ने टायरॉक को यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि क्रिस्टल ऑनिक्स यूज़ करने वाला था, सोचा कि टायरॉक को यूज़ करके देख लेते हैं। मैंने अभी तक किसी भी मेरे पोकेमोन गेम्स के अंदर प्रॉपर फाइटिंग टाइप पोकेमोन को पूरी ओवरऑल जर्नी में यूज़ नहीं किया है, तो मैं सोच रहा था कि टायरॉक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। टायरॉक किसके अंदर इवॉल्व होगा पता नहीं, लेकिन यस डेफिनेटली रिकॉर्डेड भी नहीं किया है, जितने रिकॉर्ड नहीं किए थे उसके अंदर तो यूज़ किया है। वो डॉल को हम लोग ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, इसका नाम मैं सोच रहा हूँ बावला रखने के लिए। वैसे आप भी मेरे पोकेमोन को निकनेम दे सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। निकनेम वाला बंदा यहाँ पे है वैलेंसिया आइलैंड्स की तरफ, तो ज़रूर मैं निकनेम देने की कोशिश करूँगा। एक निकनेम सेरेमनी रखने का मैं सोच रहा था, लेकिन अभी तक तो इतने अच्छे खासे हट्टे कट्टे सजेशन तो आए नहीं है, तो बाउला नाम रख देते हैं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ देते हैं। वैसे बाउली रख सकते हैं इसका नाम, और अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुकियो भी बोल रही है आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई योर सन वॉजन, तो ये वुडॉल की वजह से सारी चीज़ें हो रही है, और सोनियो उसके वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग अभी पूछ रहे हैं कि किसने दिए डॉल। सुनियो बोल रही इज अंकल सुकीगी कोंडो माई ब्रदर, येस ही इज़ अ पर्सनली हैंडेड मी दैट डॉल एंड टोल मी टू गिव इट टू योर सोनियो। तो यहाँ पे वाइफ ने एलिगेशंस लगाए हैं ब्रदर के ब्रदर पे, मतलब सोनियो के अंकल पे, और काइंड ऑफ ये एलिगेशंस हो सकते हैं रॉन्ग भी राइट भी, और उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा अंदर की तरफ। और यू टू वेयर डज योर ब्रदर लिव, तो हम लोग ने ये सारी चीज़ें पूछ ली है। मिकेन आइलैंड के अंदर ये बंदा रहता है, तो अभी मिकेन आइलैंड जाएंगे। कोंडो थोड़ा सा ज़रूर है क्वेश्चन में कि उसके ब्रदर ने ये सारी चीज़ें क्यों की रहेंगी, और सुकियो की जितनी भी सारी चीज़ें एलिगेशन है उनको रॉक कर सकते हैं या फिर राइड भी हो सकती है, वो तो उनको चेकआउट करना हमारा फर्ज बनता है पोकेमोन सेंटर के अंदर हील करने के हमारे पोकेमोन्स को। और मिकेन आइलैंड की तरफ चल लेंगे, क्योंकि पता नहीं है शायद से ये जो बंदा है जो अंकल है सोनियो का जो अंकल है वो बैटल भी कर सकता है। वैसे यहाँ पे मरीन की डॉल थी वो कहाँ पे चली गई, तो यहाँ पे उस काइंड ऑफ थोड़ी सी मिस्टीरियस चीज़ें हो रही है, और मिस्ट्री को रिवील करने के लिए हम लोग को एक बार पैर रखना ही पड़ेगा मिकेन आइलैंड्स के अंदर। मिकेन आइलैंड्स के अंदर हम लोग को घर ढूंढना है, और ये घर भी हो सकता है, बाजू वाला घर भी हो सकता है, और उसके साथ साथ उस साइड पे भी घर है। मिकेन आइलैंड्स के अंदर खाली तीन ही घर है, उसके अलावा तो एक पूरा टीम रॉकेट का बेस था जो हम लोग ने ऑलरेडी चेक किया था, और उसके साथ साथ पोकेमोन सेंटर है, हर्ट है, तो वहाँ पे तो ये चीज़ नहीं होने वाली। तो उसके अंदर ही, घर के अंदर ही हम लोग को ये बंदा मिल सकता है। तो ये यूकी रेजिडेंस वाला जो मिशन था ना, मतलब उसको बोल सकता हूँ वुडू वाला मिशन, जो बहुत ही ज़्यादा खींच सकता है इस कंपेयर टू, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज भी हो सकती है। और मुझे अभी मरीन का हिस्ट्री भी पता नहीं है कि मरीन का डॉल कहाँ पे चला गया है, मरीन का डॉल को देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग गलत घर के अंदर घुस गए थे, और अभी इस बंदी से बात कर लेते हैं। ओ नहीं यार, ये वही वाली बंदी है, रेसलिंग वाली बंदी, ये हम लोग को पटकने वाली है। ओके ठीक है, इसके साथ हो गया सारी चीज़ें रेसलिंग करके। ये बंदा है, और आर यू सुकीगी, ओके सुकीगी कोंडो, हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो वैलेंसिया आइलैंड पे हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग पूछने वाले हैं। तो
पहले तो कैजुअल क्वेश्चन पूछा है कि तूने बर्थडे पे गिफ्ट क्या दिया था, और इसी के साथ उसने बता दिया है कि बर्थडे पे मैंने गिफ्ट दिया हुआ था, लेकिन उसके लिए हम लोग फिलहाल वैलेंसी आइलैंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि मैंने सीधा उसको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा कि तूने बर्थडे पे उसको वुडू डॉल दी थी या समथिंग। कॉन्डो बोल रहा है कि नो वे, लेकिन ही गेव द डॉल, और यहाँ पे सुकियो काइंड ऑफ राइट थी, और उसने जैसे बोला था वैसी सारी चीज़ें हुई है कि उसके ब्रदर ने सुकेगी ने ही डॉल दी थी सोनियो को, और ये ही थी बुडो डॉल। तो अभी पुलिस के पास जाने की सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है काइंड ऑफ कुछ चीज़ें अलग भी हो सकती है। वी विल फाइंड अ वे टू वेक हिम अप, आर यू किडिंग मी गाइस, प्लीज डोंट फाइट, आई कैन आस्क योर ब्रदर हाउ टू वेक योर सन अप। तो अभी सारा दारो मदार हमेशा की तरह हमारे कंधे पे है कि हम लोग को अभी इस मिस्ट्री को पूरा सॉर्ट आउट करना है। वैसे मिस्ट्री सॉर्ट आउट तो कर लूँगा मैं, लेकिन वुडू डॉल का ठीक था, वुडू डॉल तो उसके ब्रदर ने दी थी, लेकिन ये मरीन वाला डॉल कहाँ से आया, क्योंकि मरीन भी गायब हो चुका है, मरीन का जो मेन डॉल है वो भी वहाँ से गायब हो चुका है। हम लोग अभी ऊपर आ चुके हैं, ऊपर आने के बाद मैं अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पूरा हम लोग को CID मूड में जाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और यहाँ पे कॉन्डो बोल रहा है कि मुझे ट्रबल लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेफिनेटली बात है मैं आउटसाइडर हूँ, उनके घर के मामले है और उनके अंकल ने ऐसे सारी चीज़ें की है, ऐसे उनको लग रहा है, मतलब उसकी बीबी को लग रहा है। तो अभी फिलहाल मिकिन के अंदर जाएंगे, और मिकिन के अंदर आते ही हम लोग बात करेंगे फिर से एक बार सुकीगी से, क्योंकि सुकीगी शायद से कुछ चीज़ें बता सकता है। हाउ आर यू, हाउ डू यू वेक हिम अप? तो एक्सक्यूज़ मी, डोंट प्ले कॉय, यू गेव मी द डॉल ऑफ वुडू डॉल टू योर नेफ्यू। तो यहाँ पे नेफ्यू को उसने वुडू डॉल दिए थे, हम लोग ने डायरेक्टली उसको क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये बोल रहा है कि उसने प्लूशी पिकाचू की डॉल दी हुई थी अपने नेफ्यू को, ना कि कोई वुडू डॉल। ओ नो सोंगो। तो इसी के साथ सोंगो सोनियो जो भी था उसका वो जो नेफ्यू है वो काइंड ऑफ अभी स्लीप है, ये सारी चीज़ें उसको पता चल चुकी है, और पिकाचू डॉल बोल रहा है तो हम लोग भी थोड़ा क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, पिकाचू डॉल उसने दिया था तो ये वुडू डॉल आया कहाँ से। यहाँ पे अभी बातचीत कर लेते हैं इन दोनों से, तो शायद से कुछ मिशन जो है वो ट्रिगर हो सकता है। यहाँ पे बातचीत करेंगे इसके साथ भी, सुकुयो के साथ भी। सुकुयो बोल रही है कि फिर से एक बार वही घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हम लोग अभी सारा इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हम लोग को दिखने नहीं वाली, मतलब मिल नहीं रही है। तो उसके बाद भी शायद से अभी यहाँ पे आ सकते हैं, और ये भी अभी तक सोया हुआ है, तो यहाँ पे भी मिशन ट्रिगर नहीं होने वाला। तो मिशन को ट्रिगर करने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मिकेन आइलैंड से निकल चुका है सुकीगी, और अगर सुकीगी को फिर से एक बार ट्रिगर करना है इस घर के अंदर, तो शायद से हम लोग को कुछ ना कुछ तो चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। क्या कर सकते हैं अभी, मैं फिर से एक बार सोच रहा हूँ मिकेन आइलैंड के अंदर चला जाऊँ, उसके घर के अंदर देख लेता हूँ, लेकिन ये बंदा तो है नहीं यहाँ पे, तो अभी ऑप्शन क्या बचा हुआ है? फिर से एक बार जाते हैं वैलेंसी आइलैंड, और मुझे लगता है कि अभी टॉप फ्लोर के ऊपर ही, मतलब जो अपर वाला फ्लोर है उधर ही कुछ चीज़ हो सकती है जो हम लोग को काइंड ऑफ हेल्प कर सकती है। सोनिया रेजिडेंस के अंदर हम लोग घुस चुके हैं, इजी का था ये बंदा है जो निकनेम देता है, ये आपको हेल्प कर सकता है आपके पोकेमॉन्स को निकनेम देने के लिए, और आप भी ये गेम प्ले खेल सकते हो। गेम का डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, ज़रूर डाउनलोड कर लेना। फाइनली ये चीज़ एक्टिवेट हो चुकी है, यहाँ पे है पिकाचू डॉल एंड दैट्स अ लॉट ऑफ नीडल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे नीडल्स है इस पिकाचू डॉल को। व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो सुकियो, आई नीड टू सी माय नेफ्यू। तो नीचे के साइड पे सारी बातें होल्ड रही है, आई टू अपसेट टू डील विद दिस एंड सुकियोगी। तो अभी फाइनली उसका जो अंकल है वो आ चुका है, मतलब जो ब्रदर है सुकीगी का, सॉरी कॉन्डो का, वो यहाँ पे आ चुका है सुकियो, एंड दिस इज़ फैमिली बिजनेस एंड आई कांट हैंडल दिस स्ट्रेस, तो स्टॉप। और कॉन्डो बी अ मैन, एंड इसी के साथ कॉन्डो योर ब्रदर इजंट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सन्स कोमा, हाँ देन वो ओके इट्स योर वाइफ। तो हम लोग ने अभी उसके वाइफ पे एलिगेशन लगा दिए है कि क्योंकि ऊपर के फ्लोर पे उसके वाइफ के ड्रेस के सेक्शन में, मतलब उसके सन के सेक्शन में हम लोग को एक डॉल मिल चुकी है, वहाँ पे नीडल्स थे बहुत सारे। यू हेटेड डेट आई एम सो इन्वॉल्व विथ योर फैमिली एंड वॉट आई हेट यू, आई वुड नेवर डू सच अ थिंग, ओके ओ या देन एक्सप्लेन द नीडल्स एंड पिकाचू डॉल डैट सुकीगी गिव टू योर सन दैट वॉज अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर बेड। तो सुकियो, लेफ्ट साइड ऑफ अ बेड प्लीज, आई स्लीप इन द राइट साइड एंड दैट्स माई हजबेंड साइड। तो यहाँ पे कॉन्डो ने सारी चीज़ें की हुई है, मतलब जो साइड था जहाँ पे हम लोग को नीडल मिली थी वो कॉन्डो की साइड थी, स्लीपिंग साइड, और उसने ही अपने बच्चे को कोमा के अंदर डाला हुआ था। यस इफ यू इवन माई सन, आई ऑलवेज वंडर वाई सुनियो सोंगो गॉट लॉन्ग एंड रिसेम्बल माई ब्रदर मोर। तो यहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ दोनों ब्रदर्स में फाइट होने वाला है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस ब्रदर का, मतलब सेकेंड ब्रदर का अपने वाइफ के साथ कुछ चल रहा है, तो उसके वजह से ये काइंड ऑफ कंफ्यूज है। व्हाई डोंट यू बिलीव मी एंड वी ऑल्सो डिड द DNA टेस्ट, इट वॉज
ओके तो डीएनए टेस्ट करने के बाद भी सोंगो इसका ही सन निकला, लेकिन उसके मन में फिलहाल तो भी उसके बाद भी सारी की सारी चीज़ें कंफ्यूजन में पड़ी हुई है। आई वॉन्ट हिम टू बी अरेस्टेड एंड कॉन्डो ओके सो यू स्विच योर सन्स गिफ्ट इट विल लुक लाइक योर ब्रदर इज अ कल्प्रिट दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू कॉल अ पुलिस ऑल दिस आई वॉन्ट डोंट थिंक माई ब्रदर इज अ कल्प्रिट वॉज जस्ट एक्ट टू मेक ओके वेल नाउ डैट आई एम बस्टेड ओके सुकेगी कॉन्डो वेके योर सन अप। तो अभी हम लोग ने सीधा उस पर हल्ला बोल दिया कि कॉन्डो प्लीज़ तेरे सन को एक्टिवेट कर दे, मतलब एक्टिवेट मतलब स्लीप से उठा दे और आई बेग यू प्लीज़ वेक हिम अप। अभी उसकी माँ ने भी बोल दिया है, उसके अंकल ने भी बोल दिया, इतना होने के बाद भी हम लोग भी बोल दिया, अभी वो भी नहीं सुन रहा है। और इसके साथ उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग अभी फाइट करने वाले हैं। चार पोकेमोन है इसके पास, उसके पास है पॉलीक्रॉक। पॉलीक्रॉक को हम लोग ट्रेन पन से हरा सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली वो गिरता है थोड़ा सा वाटर टाइप पोकेमोन, तो उसके वजह से हम लोग ने पॉलीक्रॉक को इजीली डिफीट कर दिया है। आ रहा है पैंक, क्या है पैंक पायर कौन सा पोकेमोन है, तो थोड़ा फेरी प्लस डार्क लग रहा है, तो अलग वेरिएशन हो सकता है, लेकिन उसने डेस्टिनी बॉन्ड करके हमारे पॉली को तो लेके जा चुका है। अभी मैं सारा दारोमदार रख रहा हूँ डायनाबाइट के ऊपर क्योंकि आ रहा है क्लस्टर को हम लोग ने यहाँ पे डिफीट कर दिया। आ रहा है बेनेट, तो सिमिलर फ्लेम थ्रो यूज़ करेंगे, बेनेट को हराने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ डायनामाइट ने बेनेट को हरा दिया, हम लोग ने हरा दिया द कॉन्डो को। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी कॉन्डो ही निकला मेन चीज़, और पहले लग रहा था कॉन्डो बहुत ही बेचारा है क्योंकि सारी ज़्यादा चीज़ें बात नहीं कर रहा था, लेकिन अभी सारी चीज़ें पता लग चुकी है। और ऑफिसर जेनी इज दैट द मैन, स्निफ यस एंड एंड ऑफ द वुडू बोनस चैप्टर। इसी के साथ कॉन्डो को हम लोग ने पुलिस के हवाले तो ज़रूर कर दिया है, लेकिन हमारे काइंडनेस ने कुछ भी नहीं कर पाई। और इसी के साथ आई कैन बिलीव माई ब्रदर वुड पुट सच अ थिंग टू हिज ओन सन, इट्स नॉट फेयर फॉर द पुअर सोंगो। और सोंगो को अभी वेकअप करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, और वो मरीन डॉल काइंड ऑफ हो सकती है इन सारी चीज़ों के पीछे, क्योंकि बेचारा बच्चा अभी तक ही सोया हुआ है, अभी तक उठा नहीं है। तो डार्क मैजिक बहुत ही ज़्यादा तरीके से इफेक्ट किया उसके ऊपर, और अभी हम लोग को कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे करके हम लोग उसको उठा पाए और इस मिशन को प्रॉपरली ट्रिगर कर पाए। लेकिन बूढ़ो वाला जो मेन मिशन था वो तो यहाँ पे कंप्लीट होते हुए PG-0 द ग्रीन PG यहाँ पे फिर से एक बार दिखाई दे रहा है हम लोगों को, और हम लोग हमारे रास्ते निकलेंगे सर्व करते करते। अगर रास्ते में कुछ चीज़ मिल जाती है उसको वेकिंग अप करने के लिए तो डेफिनेटली मैं उसको उठाने की कोशिश करूँगा। टेंटाक्रूल है लेवल 34 का जिसको आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, उस बंदी के साथ बातचीत कर लेते हैं जहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं होने वाली। और अभी मुझे ढूंढना है रूट 6 क्योंकि रूट 5 तक हमारी सारी चीज़ें हो चुकी है। रूट 6 मैप के अंदर जरूर दिखाने वाला है जो रूट नंबर 1 से होते हुए निकलता है, शार्क रिपेल यूज़ करने जो हम लोग को लास्ट एपिसोड के अंदर मिला हुआ था। आपको पता नहीं शार्क रिपेल कहाँ पे मिला है तो प्रीवियस एपिसोड को चेकआउट करो जिसके अंदर मैंने बता के रखा है। यहाँ पे हम लोग शार्क रिपेल यूज़ करेंगे और इसी के साथ रोड ओपन हो चुका है। तो आज के एपिसोड में मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। फाइनली थोड़ा सा फैमिली बिजनेस था लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन था। आपको ये कैसे लगा आज का कंफ्यूज्ड एपिसोड, तो लाइक कर देना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कौन सा गेम प्ले देखना है। उसके साथ साथ देखा जाए तो अभी आज का एपिसोड का स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छा था एज़ कम्पेयर टू, मतलब मैंने जितने भी बॉलीवुड मूवीज़ देखे हैं ना उससे रिलेटेड ही था, लेकिन बहुत ही अच्छा मूवी लाइन था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है पूरा का पूरा स्टोरी लाइन। तो आपको भी अच्छा लगा रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम से पोकेमोन रेड एडवेंचर एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।